अब बेटा जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे को कुछ क्वेश्चन करने पुरानी बुक से, राइट? उसके लिए हम आपको लाइंस के रिगार्डिंग भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। कुछ बेसिक लाइंस के रिगार्डिंग बता दी थी, लाइक मैंने एक्स इजिकल्स टू जीरो क्या होता है, क्या होता है एक्स इजिकल्स टू जीरो, वाई एक्सेस, वाई इजिकल्स टू जीरो एक्स एक्सेस, ये तो सबको याद ही है, ठीक है। अब कुछ बेसिक पॉइंट, पॉइंट नंबर कौन सा बेटा ये हमारा, एक काम करते हैं सारे यहां पर ही लिख देते हैं हम। जैसा पहला x इजिकल्स टू ए, इसका ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है बेटा इसका ग्राफ, यस और नो, यानी पैरेलल टू y एक्सिस। इसका बनता है पैरेलल टू y एक्सिस। और दूसरा y इज इक्वल्स टू ए, इसका ग्राफ, इसका क्या बनता है? पैरेलल टू x एक्सिस लाइक दिस वन। ठीक है, x y। अच्छा अब नेक्स्ट आता है मेरा y इज इक्वल्स टू एम एक्स, इसको ध्यान से समझना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनता है जानते कोई? इसका ग्राफ होता है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी लाइन इस तरह निकलती है आपकी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, एक्स एक्स डैश वाई डैश वाई। एक और फिर आता है वाई इज इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ खुद बताओ कैसे बनेगा, क्या आपको लगता है इस फॉर्म में है, यस और नो? तो मैं आपको एक स्पेशलिटी बता दूं, ये ग्राफ बनता है बिल्कुल परपेंडिकुलर एंगल पे, यानी 90 डिग्री पे, सॉरी परपेंडिकुलर बोल गया, 45 डिग्री पे, 90 का हाफ बोलना था मेरे को एक्चुअली, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स। क्लियर? अब आप बोलोगे सर सेम ही, तो मान लो वाई इक्वल टू एक्स है, तो ये ग्राफ थोड़ा सा इस तरह भी हो सकता है मेरा, लाइक दिस वन, ऐसे टेढ़ा भी हो जाएगा हल्का सा, निकलेगा ओरिजिन से ही, ठीक है, बट हल्का सा एंगल चेंज। इसमें क्या होगा, ये 45 डिग्री के एंगल पे रहता है, उसका कोई रोल नहीं है, डोंट वरी। अच्छा एक सवाल आपसे, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? रिपीट, यानी नेगेटिव साइड, राइट? एक्स वाई एक्स नॉट वाई नॉट, बोलो यहां तक क्लियर, पहले बोलो यहां तक क्लियर, यहां तक कंफ्यूजन? ठीक है जी, अभी आ गया 1 2 3 4। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो उसमें आ गया, क्वेश्चन 2 तो होमवर्क में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए ध्यान से क्या कहता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस, ये लाइन एंड द सर्कल। एक बार फिगर ड्रॉ करोगे खुद, यहां पर मत देखना, तो खुद ड्रॉ करो। क्या फिगर? सर्कल की भी होगी, ये लाइन भी तो है बेटा, एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री वाई, पॉइंट क्लियर? बनाओ बेटा,
चलिए बन गई फिगर आप लोगों की, ये बनेगी इस तरह, लाइन नहीं समझ आई, एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री वाई, बच्चा कहता लाइन नहीं समझ आई, बेटा सेम तो है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाली फॉर्म में तो है। अब आप बोलोगे कैसे है सर ये तो, एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री वाई है, एक मिनट रूट थ्री वाई, तो वाई क्या हो जाएगा, एक्स बाय रूट थ्री, लो बात एक ही है, क्लियर, सिंपल सी लैंग्वेज बोलू, सिंपल देसी भाषा, वेरिएबल्स को कांस्टेंट अलग से प्लस या माइनस ना हो, अब क्लियर होगी बात, बोलो ऑनलाइन आपको क्लियर है, अब एक सेकंड बेटा फोकस करना, मेरे को बताओ वो कौन सा एरिया है जो इन तीनों से बाउंडेड है, थोड़ा डार्क कलर चाहिए अपने को, वो कौन सा एरिया जो इन तीनों से बाउंडेड है, जहां एक्स एक्सिस भी आता हो, लाइन भी आती है और सर्कल भी आता है, वो कौन सा एरिया है, इधर आओ आप ड्रॉ करो जल्दी से, कौन सा एरिया है, वो मेरे को भी पता है फर्स्ट पॉइंट में बहुत सारे, कौन से वाला, ऑनलाइन मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा एरिया है जो इन सबके थ्रू बाउंडेड है, जो इन सबके थ्रू बाउंड एनक्लोज है, इसके बीच एक्स एक्सिस भी हो, लाइन भी हो और सर्कल भी हो, कौन सी वो, कौन सी टू से जो लाइन है, ये वाला एरिया है नीचे की साइड वाला एरिया, राइट, ये वाला एरिया का मेरे को क्या निकालना है, शेडिंग निकालनी है, अब एक सेकंड, एक सेकंड, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो हम बाद में करेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे नहीं अभी मैं फोकस कर रहा, अब जो फोकस है वो ध्यान से देखना क्या है, अगर आप देखो तो ये लाइन और ये जो आपका क्या बोलते हैं सर्कल है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है ना, राइट, यहां पर अभी खेल आएगा, और वो देखिए ध्यान से खेल क्या है, इस चैप्टर के अंदर जो टाइम लगता है वो एक्चुअली सिर्फ इसी पॉइंट पे लगता है, जिसको ये पॉइंट आ जाए उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन इजी है, बस ये है मेन पॉइंट, हाँ जी, ये भी तो हो सकता है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला बच्चे ने कि सर इन तीनों से ये वाला एरिया भी तो आ सकता है, और क्वेश्चन में मेंशन है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट क्लियर, चलिए अब एक जो पॉइंट देखना आपको क्या है, थोड़ा पेशेंस रख के चलना, जल्दबाजी मत करना कि सर टाइम लग रहा है इसमें, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हम बोर हो रहे हैं, जहां पेशेंस आउट ठीक है वहां कॉन्सेप्ट गेट आउट, अब मेरे को बताओ अगर आप ध्यान से देखो कि मैंने कैसे बना दिया, एक डिवाइडर बना दिया, अगर आप ध्यान से देखो तो जो एरिया है वो कैसे आ रहा है, एक बिल्कुल सही का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, या अगर मैं दूसरा बोलूं ये वाला जो एरिया है ये किसके अंडर है, सारा एरिया ये किसके अंतर्गत है, यानी अंडर किसके है, ये बेसिकली एरिया अंडर लाइन है ना, ये लाइन के नीचे है ना, अंडर मतलब किसके नीचे है, राइट, इतना एरिया किसके नीचे बैठे वाला, अंडर द लाइन, राइट, अब जरा इसको देखते हैं, आपका फेवरेट कलर ब्लू, ब्लू तो चल रहा है तो पिंक ले लेते हैं आपके लिए, और ये किसके अंडर है ये बताना, एरिया अंडर बिल्कुल सही का कर्व है, कर्व है ना, एरिया अंडर सर्कल बोल लो या एरिया अंडर कर्व, उसके नहीं है, बच्चे ने कहा ये लाइन के नीचे कैसी नहीं, बेटा लाइन से तब होता अगर वो लाइन को टच करके आए, क्या लाइन को टच कर रहा है, कहां कर रहा है बेटा, देखो लाइन के अंडर तब होता है, इस पॉइंट में कंफ्यूजन आ रही है कि लाइन के अंडर भी तो है सर, लाइन के अंडर तब हो जब लाइन से लेकर नीचे तक जाए, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो ये एरिया यहां तक, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये लाइन से टच होके एक्स एक्सिस तक जा रहा है, राइट,
लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। और ये जो एरिया है ये कहां से शेड हो रहा है बेटा? ये लाइन से शेड हो रहा है, कर्व से हो रहा है? कर्व से। पॉइंट क्लियर हुआ कि जिसका स्टार्ट कहां से हो रहा है भाई? अगर स्टार्ट लाइन से है तो एरिया अंडर लाइन है, अगर स्टार्ट आपका कर्व से तो एरिया अंडर कर्व है। बोले यहां तक क्लियर? ओके, अब प्रॉब्लम है मेरे सामने। प्रॉब्लम क्या है कि ये तो पॉइंट पता है मेरे को, ये टू है, ये जीरो है। डू आई नो दिस पॉइंट? अगर मेरे को पता लग जाए कि ये पॉइंट क्या है तो काम बन जाएगा मेरा। तो मैं पहले ये निकालूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा इसे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बोले यहां तक क्लियर? सॉरी, एक साथ मींस यू मीन एक ही के अंदर आ गया सारा? ना, इतना सिंपल नहीं है, इसको दो पार्ट्स में हमें करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, यस और नो? ओके, तो अब यही निकालना है कि एरिया अंडर लाइन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाले। रेडी? तो सबसे पहले इसके लिए चाहिए मेरे को ये, और ये क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? तो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं आपकी कॉमन सेंस का टेस्ट करना चाहता हूं, कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन सी चीज इंटरसेक्ट हो रही है? एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, यही हो रहा है ना? कैसे निकालू सॉल्व करके दोनों को? कैसे सॉल्व करते हैं, याद है? ये वैल्यू यहां डाल दो ना, सब्सिट्यूट। Put one into, डालो यहाँ पर x की जगह रूट थ्री वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, राइट? सॉल्व करो बेटा, क्या हो जाएगा? नहीं, थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, वाई स्क्वायर की वैल्यू वन, तो y क्या हो जाएगा बेटा? प्लस माइनस वन, पहला पॉइंट। अच्छा जी, अब x निकाल लो। x कैसे निकालू, यहां पे डालू यहां पे डालू? यहां डाल देते हैं, पुट कर दो y की वैल्यू प्लस माइनस वन, किसमें? फर्स्ट में। x क्या आ गया आपका? प्लस माइनस रूट थ्री। यानी आपका पॉइंट क्या हुआ, अगर एक बार पॉजिटिव रूट थ्री है तो y कितना होगा? वन। और अगर एक बार नेगेटिव रूट थ्री है तो y कितना होगा? क्लियर? यानी आपके कौन कौन से पॉइंट आ गए पता है? एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया बेटा आपका, और एक ये वाला। पॉइंट क्लियर हो गया? इंटरसेक्शन के पॉइंट आ गए। क्या आ गया बेटा इसमें, बताओ जल्दी से खुद। ये पॉइंट क्या आया आपका? रूट थ्री कॉमा वन, यानी यहां पर कितना ये, और ये पॉइंट। वैसे इसकी जरूरत ही नहीं है मेरे को, तो रहने दो इसको, सिर्फ लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। पहले ऑनलाइन मेरे को बताए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कन्फ्यूजन? एवरीवन ऑनलाइन क्लियर है कन्फ्यूजन? इसे इतना नोट करो पहले, फिर आगे चलता हूँ। यहाँ तक क्लियर? अब निकालते एरिया। अब तो एरिया आपको झट से आ चुका है, क्या खुद बताओ कैसे करोगे? जीरो से टू वॉट, जीरो से रूट थ्री वॉट, जीरो से रूट थ्री मीन्स एरिया अंडर लाइन, राइट? एरिया अंडर लाइन कहां से कहां तक बेटा? जीरो से रूट थ्री। मैं एडवांस में बता दूं, अगर आपके स्कूल में चैप्टर पढ़ा दिया या पढ़ाया जाएगा और टीचर ये क्वेश्चन कराए तो वो उसको एक और वे से भी करा सकता है। कई स्कूल टीचर्स या कई बुक्स और यूट्यूबर्स व्हाटएवर क्या करते हैं, राइट ट्रायंगल लेते हैं इसको, यानी एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल प्लस एरिया अंडर कर्व। सो इट्स अप टू यू, आप क्या यूज करना चाहे। मैं राइट ट्रायंगल की जगह ये प्रेफर करता हूं। ये क्या है? ये राइट ट्रायंगल ही तो है, नहीं आई समझ, है ना? कोई बात नहीं, चलो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बेटा? एक फिगर और बनाऊं समझाने के लिए, या क्लियर है इतनी?
यहां से यहां तक ये जो एरिया बेटा ये कौन सी शेप का है खुद बताओ, राइट ट्राइंगल। अब पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा राइट ट्राइंगल में बेस कितना होगा रूट थ्री और हाइट कितनी होगी वन, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो या आप चाहो इंटीग्रेशन से। तो जीरो से रूट थ्री वॉट एरिया अंडरलाइन प्लस रूट थ्री से टू क्या है एरिया अंडर कर्व। आओ करते हैं तो एरिया अंडर लाइन स्ट्रिप कौन सी ली है मैंने वर्टिकल, तो क्या हो जाएगा वाई डी एक्स। अब लाइन क्या है एक्स इज इक्वल्स टू रूट थ्री वाई, तो वाई क्या हो जाएगा एक्स बाय रूट थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर, तो वाई स्क्वायर फोर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई कितना हो जाएगा फोर माइनस एक्स स्क्वायर पूरा रूट में डाल दो, जीरो से रूट थ्री एरिया अंडरलाइन वाई डी एक्स है मेरा, तो एक्स बाय रूट थ्री डी एक्स प्लस रूट थ्री से टू रूट में फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सॉल्व हो जाएगा इसके आगे ये मैं करके दूं पूरा क्या एक्स स्क्वायर बाय टू कैसे अच्छा अब इस पे बात कर रहे हो, मैं इस पे बात कर रहा था। सॉल्व हो जाएगा ना इसके आगे दोनों को ऐड कर देना जो कंफ्यूज। ऑल्टरनेटिवली इसका क्या है ऑल्टरनेटिव भी बता देता हूं मैं, ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो आप एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल भी ले सकते हो राइट, नाम देने दे दो ओ ए बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया अंडर लाइन तो चलेगा ही चलेगा, एरिया अंडर कर्व तो चलेगा ही चलेगा, कर्व का क्या रूट थ्री से टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के लिए बेस कितना लिया रूट थ्री, जीरो से रूट थ्री हुआ और हाइट कितनी निकाली थी यहां पर हमने वन, याद है रूट थ्री कॉमा वन आया था, तो आप क्या ले सकते हो हाफ इंटू बेस कितना था रूट थ्री, हाइट कितनी थी वन प्लस अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो तो आपको पता ही है, तो डू इट योर सेल्फ कैलकुलेट आपने खुद ब खुद करना है। कैसा लगा क्वेश्चन धमाकेदार था, करो इसे नोट।